हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एमएक्स प्ले पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है आश्रम। इसमें आपको टोटल 9 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 42 मिनट से लेकर करीब 53 मिनट के बीच में ये करी। सीरीज की कहानी शुरू होती है काशीपुर से, जहां पर हमें नजर आती है पम्मी जो कि एक रेसलिंग चैंपियन है। खैर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो अपनी लाइफ में खुद को विक्टिम महसूस करती है, और इतना ही नहीं, उसके कास्ट के दूसरे लोग भी इसी वजह से परेशान है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पम्मी की जिंदगी में आते हैं बाबा निराला काशीपुर वाला, यानी कि बॉबी देओल। उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड में इससे पहले बहुत सारी ऐसी मूवीज बन चुकी जहां पर आपको ये फेक बाबा देखने को मिले थे, लेकिन पर्टिकुलर इस सीरीज में काफी कुछ चीजें हमें डिटेल में देखने को मिली, यानी कि उन फेक बाबाओं के आश्रम में क्या कुछ चीजें चलता है और ये सारी चीजें किस तरह से ऑपरेट होती है, प्लस इन सारी चीजों के पीछे कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रकाश झा ने काफी डिटेल में बताने की कोशिश की है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, वो ये है कि जैसे हाथ में पांचों उंगली बराबर नहीं होती, तो वैसे ही से हर बाबा फेक होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी बाबा जो जेन्युइन है और बहुत सारे ऐसे जो फेक है। और पर्टिकुलर अगर इस सीरीज की बात करें तो ये उन बाबाओं पर बेस्ड है जो जेल में सजा काट रहे हैं, या तो किसी वजह से उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये उन फेक बाबाओं पर आधारित एक फिक्शनल सीरीज है। उसके अलावा सीरीज में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, वो ये है कि यहाँ पर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनको बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया, यानी हर एक कैरेक्टर में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे ऐसे शेड्स देखने को मिलेंगे जो थ्रू आउट द सीरीज बदलते रहते हैं, जो कि आपका इंटरेस्ट इस पूरी सीरीज में हमेशा बनाए रखते हैं। उसके अलावा सीरीज में मेन प्लॉट के अलावा काफी सब प्लॉट्स भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी वो ये है कि जितने भी सब प्लॉट्स है उनकी सबकी मंजिल एक ही तरफ है। आप दूसरी मूवीज या सीरीज में देखते हो तो वहां पर जो कुछ सब प्लॉट्स होते हैं उनका कुछ इतना इम्पोर्टेंस होता नहीं, लेकिन यहाँ पर वो सब प्लॉट्स भी इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से आप किसी भी चीज को लेकर यहाँ पर कोई कंप्लेंट मेरे ख्याल से कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, इस पर्टिकुलर सीरीज में भी कुछ ऐसी जगह जहां पर कुछ हिंदू भाइयों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन मैं उनको इतना ही बोलूंगा कि ये सिर्फ वेब सीरीज है, इनको एंटरटेनमेंट के हिसाब से लो। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है लोग भी समझदार हो चुके कि ये उन बाबाओं पे है जो वाकई में फेक है, यानी कि वो जेन्युइन बाबा या किसी रिलीजन को बुरा नहीं बोला है। बात करेंगे शो की सिनेमेटोग्राफी की, तो यार पहले तो जो रियल लोकेशन पे जो चीजें शूट होती है तो उसका जो मजा होता है वो अलग होता है। उसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर सेट को डिजाइन किया और जो जो एक आश्रम क्रिएट किया है वो स्क्रीन पर देखकर एक अलग ही एहसास होता है। तो बात करेंगे शो के बीजीएम की, तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि प्रकाश झा की अगर आप मूवीज देखना पसंद करते हो तो उनकी मूवीज में जो बीजीएम होता है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग था। हालांकि वो सीन्स को अच्छी तरह से बैलेंस कर रहा था, कुछ सिंपल सीन को भी एक अलग लेवल पहुंचा रहा था, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेशन थी उनके सीरीज के बीजीएम से वो यहाँ पर इतना ज्यादा फुलफिल हुई नहीं। उसके अलावा बात करें यहाँ पर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहला नाम लेंगे बॉबी देओल का। यहाँ पर हमें बॉबी देओल एक नेगेटिव रोल में, ये तो 100% श्योर है, लेकिन इतना कामली वो यहाँ पर डायलॉग बोल रहे हैं और जो उनके प्रवचन के जितने भी सीन्स हैं यहाँ पर, उसमें आप ये फील ही नहीं कर रहे हो कि आप स्क्रीन पर बॉबी देओल को देख रहे हो। आप कैसे लग रहा है वाकई में ये कोई बाबा है जो इस तरीके के प्रवचन दे रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन है, मतलब यार यहाँ पर बॉबी देओल ने पूरी तरह से स्क्रीन को फाड़ दिया। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे एक्टर्स है, जैसे कि हम लोग दर्शन कुमार सर की बात करें जो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, एक ऐसे एक्टर है जो आज की तारीख में बहुत सारी वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं और हर एक वेब सीरीज में वो अच्छा खासे इम्प्रेस करके जा रहे हैं, और यहाँ पर भी पर्टिकुलर उनका रोल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसके अलावा उनको जो सपोर्ट कर रहे थे मथू, जिनको आपने सेक्रेट गेम में देखा है, उनका भी काम मुझे इस सीरीज में अच्छा लगा। लेकिन एक ऐसा भी एक्टर है जो आपको इस पूरी सीरीज में चौंका देगा उसके अपने एक्टिंग स्किल से, वो है तुषार पांडे, जिसने यहाँ पर सत्ती का रोल प्ले किया है। बात करेंगे अनुप्रिया गोयनका और अदिति का, तो उनका परफॉर्मेंस मुझे ओके लगा। उसके अलावा चंदन रॉय और दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स का भी काम अच्छा है। बात करेंगे सीरीज की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है सीरीज का, अगर आप प्रकाश झा सर की मूवीज देखते हो तो यहाँ पर एक टच कहीं ना कहीं मिसिंग महसूस हो रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा कि सीरीज का डायरेक्शन खराब है, लेकिन वो फील जो आता है ना, वो थोड़ा सा मुझे पर्सनली कई कई जगह पे ऐसा अजीब सा लग रहा था। उसके अलावा शो की जो डबिंग है वो इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं, पता नहीं कुछ कुछ सीन्स ऐसे जहां पर एक्टर कोई और है और डबिंग कोई और कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारी सीन्स देखकर सीरियल्स की भी याद आती है। उसके अलावा एक और नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि अगर एपिसोड्स की लेंथ मेरे हिसाब से अगर आधे आधे घंटे की होती तो वो ज्यादा अच्छा होता।
अब बात करेंगे पेरेंटल गाइडेंस की, तो ये आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, क्योंकि इसका रीजन यही है कि इसमें आपको कुछ 3 जगह पे एडल्ट सीन देखने को मिलता है और कुछ जगहों पे गालियां सुनने को मिलती है। और मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 3.5 out of 5। मेरे हिसाब से एक अच्छा वॉचेबल शो है। अगर आपको एंटरटेनमेंट पर्पस से इस शो को देखते हैं तो आप जरूर देखते हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में कुछ नेगेटिव है या आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलीजन को लेकर यहाँ पर कुछ गलत बताया है, तो ये शो से आप जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि देखो ही नहीं तो आपको तकलीफ भी नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये जो मेकर्स ये लोगों ने बना दिया और लोग देख भी रहे। मैं फाइनली इतना ही बोलता हूँ कि भाई देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।